होगा परशुराम महाकुंभ। परशुराम महाकुंभ का है बहाना, किसको है ब्राह्मण नेता बनाना। देखिए अलख हरियाणा की स्पेशल रिपोर्ट, किस किस का करेंगे मनोहर इलाज। हरियाणा सूबे के मुखिया श्रीमान मनोहरलाल खट्टर भले ही फील्ड में उतने प्रभावी ना हो, लेकिन अंदरूनी इलाज कर नतीजे अपने हक में लाने में वो माहिर जरूर हो चुके हैं। इसका आंकलन हम चाहे तो 3 लाल साढ़े 4 वाले फार्मूले को लगभग पूरा करने की कामयाबी से लगा सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी होती है कि बीजेपी पार्टी का जो भी नेता पर्दे के पीछे या फिर आगे से मनोहर की खिलाफत करता है तो वो उनका इलाज उसी अंदाज में कर देते हैं। इसका उदाहरण हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के रूप में भी बखूबी समझा जा सकता है। खैर हम मांझी से लौटते हैं और हाल की बात करते हैं। हरियाणा में ब्राह्मण समाज का सम्मेलन होने जा रहा है जिसके मुख्य अतिथि होंगे श्रीमान मनोहर लाल खट्टर। अब आप कहेंगे इसमें खास बात क्या है, तो सुनिए इस कार्यक्रम के आयोजकों के चेहरे और नाम पर नजर डालिए। दो चेहरे आपको दिखाई देंगे, पहला कार्तिकेय शर्मा जो हाल में राज्यसभा सांसद बीजेपी जेजेपी और इनेलो की मदद से बने हैं, सिवाय विनोद शर्मा के बेटे होने के अलावा उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। दूसरे हैं सुनील शर्मा जिनकी कोई अपनी सियासी या सामाजिक पहचान नहीं है। अब सवाल ये उभर रहा है कि इनको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रोजेक्ट करने के पीछे मनोहर लाल खट्टर की मंशा क्या है, जबकि दोनों चेहरे बीजेपी से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं। बीजेपी के पास रामविलास शर्मा, रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा, सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक, राज्यसभा सांसद डीपी वत्स आदि मौजूद हैं, लेकिन उनको सिवाय इस कार्यक्रम के न्योता मिलने की रस्म अदायगी के अलावा कहीं भी शामिल नहीं किया गया है। चर्चा ये भी है कि सीएम साहब कुछ एक ब्राह्मण बीजेपी नेताओं से नाराज चल रहे हैं और हरियाणा में नए ब्राह्मण नेता तैयार करना चाहते हैं। करनाल के इस कार्यक्रम को इसकी शुरुआत माना जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी तेज है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ ब्राह्मण नेताओं का सियासी खतना करने की और ये पहला कदम है। गजब बात यह है कि करनाल में ब्राह्मण सम्मेलन जिन दो चेहरों की अगुवाई में हो रहा है, हरियाणा के बीजेपी ब्राह्मण नेताओं को वो हजम नहीं हो रहा है। वे बंद कमरों में इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कैमरों के आगे आने को वो तैयार नहीं है। सबके सब मनोहर के वार से डरे हैं, सहमे हैं और उनको सांप सूंघ गया है। सच में हमारे मनोहर लाल खट्टर सियासत के माहिर खिलाड़ी हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये भी है अपनी सियासी मजबूती के लिए जातीय सम्मेलन की कुप्रथा को लागू कर माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा एक हरियाणवी एक के अपने नारे को क्यों ठेंगा दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अलख हरियाणा।